अब अपनी टीम को 117 राधा कृष्णा रोड पर भेजो, अगर कुछ चेंज हुआ तो कॉल करूंगा। ओके सत्या। मुझे वहां विक्टर दिखाई दिया, कुछ अजीब लगा। इस केस को मैं जितना सोच रहा था वो उससे ज्यादा खतरनाक था। यहां से सीधे जाओ। क्या दिया इसको? बेंजोडाइजेपिन। मैंने बहुत छोटा सा डोज दिया है। ठीक है, एक और दे दो और इसे आधे घंटे के लिए सोने दो। ठीक है। इंट्रावीनस से दवाई दो और हाँ, हार्ट रेट चेक करते रहना। डॉक्टर ने कहा है इसे थोड़ी देर और सोने दो। क्या हुआ रे? हाँ? इसका तो आज ही ऑपरेशन होना था ना? सर पूछ रहे थे कि सैंपल में कोई डाउट तो नहीं। ना, बिल्कुल नहीं, ये लड़की बराबर मैच करती है। कल रात ही इसका टेस्ट किया है, यही काम आएगी, समझा? अरे यार ये तो 14-15 साल की लगती है, ये सही है क्या? अरे यार वो 2-3 दिन में आ जाएगी ना दूसरी वाली, सुहासिनी, यूएस वाली, 28 साल की है, वेट करो उसका, कुछ ही दिनों की तो बात है। अगर वो नहीं आई तो अमेरिका से आना है उसे, अगर आ गई तो उसको भी उठा लेंगे। क्या विक्टर उस लड़की को दुबई में किडनैप नहीं कर सकता? यही हमारे लिए भी ठीक रहेगा। सर की दुबई में बहुत जान पहचान है, बुरखा पहनकर उस लड़की को वहां से निकाल लेंगे। जब ये लड़की हमारे जाल में फंस गई है तो दूसरी काय को, यही चलेगी। विक्टर का भी यही कहना है। डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आ रहे? वो कब तक आएगा? वो सब की चिंता तुम मत करो, विक्टर ने सब अरेंज किया है। 3 डॉक्टर बुलाए, एक हार्ट का डॉक्टर बुलाए, एक बेहोश करने वाला, अगर वो नहीं आया तो अपन ही खोल देंगे इसको। ये लड़की हमें नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो और इसके साथ तुम्हें जो करना है करो। मेरे हिसाब से ये करेक्ट मैच नहीं है। अरे यार ये लड़की मिल गई है और करेक्ट मैच भी है। अब तू सिखाएगा? डॉक्टरों को आने दो, पूछ लेंगे। हेलो, चल रे, तैयार हो जा, एक दिल पार्सल करने का है। यह सारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद मैं अपने पुराने स्टाइल में आ गया। कौन है तुम? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर सत्या, विक्टर जानता है? आईडी? आईडी नहीं है, घर पर भूल आया हूं, विक्टर ने बुलाया मुझे। सच में हार्ट सर्जन डॉक्टर हूं, यहीं का पता दिया था और कहा था कि पेशेंट तैयार है, विक्टर को फोन करके पूछ लो। पर पता नहीं क्यों उसने फोन नहीं किया। एक काम करो, सीधे जाके ऊपर जाओ। डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं, पुलिस है वो। सही पता नहीं हट। विक्टर, वो पुलिस वाला आया है, मैं देख लूंगा इसे। अपनी जगह से हिलना मत,
इसलिए डॉक्टर बने थे तुम। ट्यूब्स निकालो, इसे मैं लेकर जाऊंगा, जल्दी। Officers, thank you for coming. Satya, पुलिस फोर्स ने मेरी बहुत मदद की, खास तौर पर रिचर्ड की टीम ने, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का भी बहुत बड़ा हाथ था। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूं, आप बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं। वैसे गैर कानूनी ह्यूमन ऑर्गन्स का कारोबार है यहां। लोग अंग दान मर्जी से नहीं करते और ना ही शिकार को बेहोश करके चुराए जाते हैं, बल्कि ऑर्गन्स को पाने के लिए शिकार को किडनैप किया जाता है और मार दिया जाता है। ये ह्यूमन ऑर्गन्स का रैकेट चलाने वाली बहुत बड़ी गैंग है और उनका लीडर है विक्टर मनोहर। आपने तो शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा, पर मैं उसे पर्सनली जानता हूं। SCRB में उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। वेलूर जेल में मैथ्यू ऑपरेशन के दौरान मैं उससे मिला था। उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले उसे देखा। उसे देखकर ताज्जुब हुआ। विक्टर के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और उसे अरेस्ट करो। सत्या, सुपर्ब, कमाल कर दिया। तुम यहां कर बैठो ना। विक्टर के लिए वारंट जारी करो। लेट्स गेट हिम। अब विक्टर की शिकारी नजर एक जवान लड़की पर है, नाम सुहासिनी है। वो चेन्नई की रहने वाली है। फिलहाल वो US में है, पर 4 दिन बाद लौटने वाली है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरेगी, वो लोग उसे किडनैप कर लेंगे, क्योंकि कहीं पर कोई मरीज एक दिल के इंतजार में है। अब हमारे पास उस मरीज को ढूंढने के 2 तरीके हैं। निलंजना और सुहासिनी का ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है, और दूसरा उसका एक दलाल है जिसका नाम अबुल है। उसकी कार का नंबर मुझे मालूम है। और जीने की इच्छा है या ऊपर जाना चाहते हो? अभी तो मैं और बहुत साल जीना चाहता हूं। मैं एक नंबर देता हूं जो हमारे बहुत काम आ सकता है। नाम है विक्टर। वो जिस धंधे की दलाली करता है वो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हेलो सर, मुझे बताया गया कि तुम मेरा काम कर सकते हो, तो हम बात कर लें। पैसों की जरा भी फिक्र मत करना। अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं जिंदा रहूंगा, पर अगर नहीं कर पाए तो खेल खत्म। वो एक लड़की है, आज वो शहर में नहीं, अमेरिका गई हुई है। आने में कुछ 10-11 दिन लगेंगे, उसके आते ही उठा लेंगे उसको। उसके बाद 2 दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। जहाँ इतने पैसों का लेन देन हो, वहाँ बैकअप प्लान तो रखना ही पड़ता है। सुनो, एक दरवाजे के साथ एक खिड़की भी खुली रखनी पड़ती है। जिस लड़की का दिल तुम ला रहे हो, उसका नाम क्या है? सुहासिनी। सुहासिनी। उन्होंने सुहासिनी के एवज में निलंजना को किडनैप करके रख लिया था। अब तो निलंजना भी उनके हाथ से निकल गई है। जब अली जैसे लोगों का हम जैसों से पाला पड़ता है, तो हमें देखते ही उस तरह के लोगों की पैंट गीली हो जाती है। पर मैंने वो जगह बचाकर थोड़ा हटकर गोली मारी। टोटल 6 राउंड फायर किए हैं मैंने। ये मेरी गन है, मैं सरेंडर करता हूं। पुलिस फोर्स को तुम्हारी जरूरत है सत्या, अब उस गैंग को खत्म करो। ऑफिसर्स, आज की मीटिंग खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच जगह। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। फ्लाइट इज क्लोज्ड, आई एम सॉरी। लेकिन मेरा जाना जरूरी है। व्हाट्स अ प्रॉब्लम माला? मैंने रास्ते में फोन किया था और किसी ने
इट्स ओके, लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। खूबसूरत लड़की देखी नहीं किशोर? खूबसूरत होने के फायदे तो जरूर है। वैसे एक सीट है आपके लिए, इकोनॉमी में नहीं पर बिजनेस क्लास में। ये हुई ना बात। कैन आई हेल्प यू? या इट्स राइट देयर ऑन दिस साइड, दिस वे मैम प्लीज। Order some Indian food. So you don't want this? No, no, I want this. But can I have that also, please? Sure. Free में upgrade मिली है, तो उसका मजा तो उठाना चाहिए ना? Cheers. Excuse me. You're okay? Oh my God. Need any help? इस कमबख्त उल्टी को भी तभी आना था जब इतना handsome आदमी मेरे बगल में बैठा हुआ है। Please ये मेरी तरफ ना देखे। Are you okay? मैं कुछ यहाँ एक प्रेशर पॉइंट है, इसे दबाने से यू फील बेटर। हाय क्या अंदाज है। और थोड़ा दर्द होगा। ओह शक्ल से तो अंग्रेज है लेकिन बोलता हिंदी है। अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। अब जितना भी दर्द हो हाथ मत छोड़ना। बस कुछ सेकंड्स और बेटर। गुड, अब आराम करो। लेकिन ये है कौन? Are you a doctor? कौन मैं? कोई चांस ही नहीं। नो no. इसको पटाना पड़ेगा। क्या जोड़ी लगेगी हमारी। लव एंड वॉमिट, इंग्लिश टाइटल तो ठीक ठाक है लेकिन अगर हिंदी में डब होगा तो क्या होगा? उल्टी के बीच पनपता प्यार। जी ठीक लग रहा है। आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? वो इसलिए बोल लेता हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं पर इतनी अच्छी नहीं है। प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ एक्सक्यूज मी भी बोलता है तो जान निकल जाती है। काश मैं उसका आईपैड होती, कम से कम वो मुझे छूता तो। कातिल स्माइल, वो बगल में बैठा हुआ था, यही सोचकर मैं उसकी दीवानी होती जा रही थी और सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है। हमारा प्लेन कुछ देर के लिए दुबई एयरपोर्ट पर रुका और मैंने भी ठान लिया था कि मैं उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दूंगी। पता नहीं ये मुझे दोबारा मिले या ना मिले। कई बार लगा कि वो मुझसे बात करेगा पर ऐसा हुआ नहीं। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी